प्रदेश में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को कोविड वैक्सीनेशन की बात प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा कल से टीकाकरण शुरू होगा इस पर दिए गए बयान पर हमीरपुर में लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। लोगों का मानना है कि जब सरकार ने 1 मई से युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की बात की गई थी तो वैक्सीनेशन का प्रबंध भी समय पर कर देना चाहिए था, ताकि युवा कोरोना से हो रहे इस लड़ाई में निर्भय होकर अपना काम कर सकें। युवा विजय वर्मा ने कहा कि मेरे और मेरे सभी साथियों ने 1 मई को ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि इसका लंबा इंतजार करना पड़ेगा, तो हमें काफी निराशा हुई है। मैं तो रजिस्ट्रेशन अपनी 1 तारीख को करवा ली थी, जैसे सरकार की गाइडलाइंस आई थी 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन करवाओ फिर टीका लगवाओ। हमने तो बाद में सुना कि मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है ये कब लगेगी, कहाँ से आएगी और कब लगेगी। हमने तो पहले करवा दी है और हमारे साथ हमारे जो यार दोस्त हैं उन्होंने भी करवाई हुई है, पर सारे आचार्य जनिक हैं सारे, किसी को पता नहीं है कब लगेगी क्यों लगेगी। इसके बाद 18 साल से ऊपर वालों को बोला था पहले से लगेगी, लगने शुरू हो जाएगी। अब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं अभी वैक्सीनेशन नहीं लगेगी, हमें नहीं है पता कब लगेगी, तो ये तो बुरा हाल है जी हमारे लिए। युवा प्रियांश का कहना है कि कोविड वैक्सीन ही इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, तो सरकार को चाहिए था कि इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करती। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द कोई ब्लूप्रिंट बनाकर वैक्सीनेशन की मुहिम को आगे बढ़ाए। तो करवा लिया है, अब बस अपनी टर्न का इंतजार है, पर सरकार कोई स्टेप नहीं उठा रही, क्योंकि हमें पता है कि वैक्सीनेशन ही एक कोरोना से फाइट करने का ये रास्ता है वैक्सीनेशन, तो सरकार को उसके रिगार्डिंग को स्टेप जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए और वैक्सीन को जल्दी से रोल आउट करना चाहिए अगर हमें कोरोना से बचना है और दूसरों को बचाना है। तो इसे कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसका कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, एक प्लान तैयार किया जाए और 18 से 45 वर्ष के जो युवा हैं उनको जल्दी जल्दी वैक्सीनेट किया जाए, ताकि एक हमें एक हथियार मिल जाए कोरोना के खिलाफ लड़ने का और इसके खिलाफ जीतने का, जिससे हम इस महामारी से बच सकें और अपनी जो लाइफ है वो नॉर्मल तरीके से हम जी सकें फिर से। राजकुमार ने सरकार से मांग की है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर से कोरोना का भय समाप्त हो जाए। 18 साल से ऊपर की जो वैक्सीन के लिए बोला गया है सर, उसके लिए तो हमने भी रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, बट सरकार अब बोल रही है कि इसका पता ही नहीं है कब लगाना लगना कब नहीं, तो सर हमें भी तो कोरोना से लड़ना है ना, हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे क्या और भी मेरी उम्र के लड़के हैं उनको भी हो सकती है या लड़कियाँ कुछ समथिंग किसी को भी हो सकता है, तो सर तो सरकार को चाहिए कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन का किया जाए। अश्विनी कुमार ने कहा कि सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली है, लेकिन अब वैक्सीनेशन कब लगेगी इसका पता नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द वैक्सीन लगाई जानी चाहिए ताकि युवा भी बेफिक्र होकर काम कर सकें। सरकार ने जो है पहले आरोग्य सेतु ऐप में एक रजिस्ट्रेशन करवाई थी, लेकिन उसका ना कोई रजिस्ट्रेशन के पे हमें कोई मैसेज आया, ना उस पे कुछ ये क्लियर आया कि कब लगनी कब नहीं लगनी। अब सरकार ने लॉकडाउन तो लगा दिया है, लेकिन इस बात का पता नहीं कि वैक्सीनेशन कब होनी है कब नहीं होनी है, तो हमें बताया जाए कृपया, ये तो कुछ भी नहीं पता है अभी कब वैक्सीनेशन होगी कब नहीं होगी।